एक घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे दो कौवा रहते थे और उस पेड़ के बिल में एक सांप रहता था। जब जब कौवों का बच्चा होता था तब तब वो जहरीला सांप उन बच्चों को खा जाता था। और एक दिन दोनों कौवों ने, बोल सकते हो मैं कितने दिन अब ये तकलीफ सहूंगी अपने बच्चों का खोने का, बताओ मैं क्या करूं? क्या करूंगा बताओ, तुम तकलीफ मत करो, बताओ उस जहरीले सांप से हम लोग क्या लड़ सकते हैं? हाँ बताओ। उस पेड़ के नीचे गड्ढे में रहता था एक लोमड़ी। दोनों कौओं का उस लोमड़ी से बड़ी ही दोस्ती थी। हमारे इन दोनों बच्चों को कैसे भी करके बड़ा करना होगा, लेकिन मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कब वो जहरीला सांप आएगा, वो आके इसे खा जाएगा। क्या करूँ मैं बताओ, मुझे भी तो यही डर लगता है, लेकिन खाने के तलाश में बाहर तो जाना ही होगा। मैं क्या कह रही हूँ, चलो हम लोग चलते हैं, किसी और पेड़ पे जाके वास करेंगे। यही करना होगा लग रहा है, लेकिन जाने से पहले लोमड़ी दोस्त से जाके बात करना होगा इस विषय में। हमारा दोस्त बहुत ही बुद्धिमान है, सांप को सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो बता ही देगा। तुम लोग अपना घोंसला छोड़ के जा रहे हो उसका मतलब तुम लोग सांप के सामने हार मान गए। लेकिन दोस्त हम लोग तो उस जहरीले सांप से नहीं लड़ सकते। अरे दोस्त तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना, दिमाग के आगे शक्ति कुछ नहीं। उस लोभी सांप को तुम लोग चतुरता से ही सबक सिखा सकते हो, समझे दोस्त? कैसे दोस्त, सुनो तो फिर। राजमहल के सरोवर में राजकन्या स्नान कर रही थी। स्नान करते समय वो अपना वस्त्र और अलंकार किनारे रख कर स्नान कर रही थी। तभी उसी समय, यही समय है, दिमाग लगाकर काम खत्म कर लेता हूँ। अरे अरे अरे, ये कौवा मेरा हार लेके चला गया, कौन कहीं हो क्या? क्या हुआ राजकुमारी? जल्दी से जाके उस कौवे को पकड़ो, मेरा हार लेके चला गया है वो। अभी लेके आ रहे हैं। ओए ओए रुक 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 रुक, कौवा रुक, कहाँ जा रहा है? रुक रुक। अब मैं अपनी आखिरी काम खत्म कर लेता हूँ, अब तुम्हारी खेल खत्म। कहाँ गया? पेड़ के बिल में हाथ डाल दिया है। हाँ। लाने चलो, इसमें तो एक जहरीले सांप है। सांप है तो क्या हुआ, डंडे से मार दे। खत्म हो गया सांप, चलो हार को लेकर राजकुमारी के पास। बुद्धि रहने से सब कुछ होता है, बुद्धिमान के सामने कुछ भी असंभव नहीं।